टीवी मेजबान में इस हसन ने पहली बार अपनी तीनों बीवियों के दरमियान आपस के तल्ल पर बात करते हुए बताया कि इनकी तीनों बीवियां एक साथ नहीं रहती हाल ही में इकरुल हसन ने एक टॉक शो में अपनी तीन शादियों और तीनों बीवियों के साथ ना रहने के मामले पर खुलकर बात की इन्होंने वाजे किया कि इन्हें तीन शादियाँ करने का शौक नहीं था और ना ही इन्होंने ऐसा करने की मनसूबा कर रखी थी इनके मुताबिक वो किसी को तीन तीन शादियाँ करने की तरगीब नहीं दे रहे ना ही वो अपने इस अमल को ज़बरदस्त बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं हर किसी की अपनी मर्जी और अपनी मजबूरियां होती हैं इन्होंने वाजे किया कि इनका कोई शौक या टारगेट नहीं था कि इन्हें तीन ही शादियां करनी है लोग नहीं जानते कि इनकी तीन शादियों की क्या मजबूरियां और क्या इस्बाब थे इकरार हसन ने कहा कि वो खुदा के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इनसे तीन शादियों का अच्छा फैसला करवाया और इन्होंने इस पर अमल किया प्रोग्राम के दौरान मेज़बान की जानब से सवाल पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि इनकी पहली बीवी कुरतुलैन और तीसरी बीवी अरूसा खान एक साथ रहती हैं एक ही घर में जबकि तीसरी अहलिया फरा तीस कुछ ही फासले पर अलग घर में रहती हैं इन्होंने वाजे किया कि वो बीवियों को एक ही घर में रखने वाले कौन होते हैं वो अपनी मर्जी से एक साथ एक ही घर में एक ख़ानदान की तरह रिहाइश पजीर हैं वो रखने की बात नहीं करते वो खुद रह रही हैं जब इनसे पूछा गया कि बहुत सारे गैर शादीशुदा लोग पूछते हैं कि हसन ने कौन से दरबार में कौन से पानी फेंका है तो इनकी तीन तीन शादियाँ हो गई हैं तो इस पर इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि दरअसल शादी एक ज़िम्मेदारी है और वो शख्स ही इसको निभाता है जो ज़िम्मेदारी अदा करना जानता हो उनका कहना था कि वरना बहुत सारी मिसालें हैं कि लोग खुफिया निकाह कर लेते हैं जबकि बहुत सारे लोग यहाँ वहां मुंह मारते फिरते हैं और जिम्मेदारियों से भागते फिरते हैं ख्याल रहे कि करुल हसन की तीसरी शादी की अफवाहें गुजश्ता एक साल से जारी थी रवा बरस ही हसन ने एक टॉक शो में उरूसा खान से तीसरी शादी की तस्दीक की थी अब इन्होंने बताया है कि उरूसा खान और एक साथ जबकि फरा इकरार अलग घर में रिहाइश पजीर है